तो दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल ई फूड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टिफ़िन हो या सुबह का नाश्ता, या हो छोटी मोटी भूख या रेसिपी, बड़े हो या बच्चे हो, सभी की मनपसंद रहने वाली है। तो चलिए खाओ गली का सबसे अच्छा सबसे टेस्टी नाश्ता बनाते हैं। तो इसके लिए आपको मैगी ले लेनी है। मैगी एक पैकेट, छोटा पैकेट आप ले सकते हैं, छोटा पैकेट जो 10 रुपये का आता है वही मैगी ले लेंगे। उसमें हम डाल देंगे गरम पानी। गरम पानी यहाँ मैंने 1 ग्लास लिया है। तो 1 कटोरी में रख कर मैगी को उसमें गरम पानी डाल देंगे, उसके मसाले को बाहर निकाल लेंगे और उसको ढक कर रख देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। और अब यहाँ मैंने 250 ग्राम गोभी ली है, ये पत्ता गोभी है, कैबेज। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घिसेंगे। सिर्फ इतनी ही गोभी में पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनता है। और अब इसको हम इस तरीके से जो पतला वाला होता है ग्रेटर, उस पर हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से पतला पतला आपका ग्रेड हो जाएगा। और अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ग्रेट कर रही हूँ, तो इस तरीके से ग्रेडर की सहायता से ये देखिए इसको हम ग्रेट कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से ग्रेड हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ जाता है। तो बस अब हमने इसको ग्रेट कर लिया है। अब आगे देखिए ये मैगी हमारी हो चुकी है, 5 मिनट हो चुके हैं और मैगी भी अच्छे से हमारी कुक चुकी है और पत्ता गोभी को भी हमने ग्रेट करके रख लिया है। और अब हम इसमें मैगी को मिला देंगे, जो हमने मैगी रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मैगी को सबसे पहले आपको एक बार वॉश कर लेना है ठंडे पानी से, और वॉश करने के बाद इसमें डाल देना है। तो ठंडे पानी से एक बार वॉश करके फिर उसके बाद इसमें डालिएगा और मैगी को इसमें अच्छे से मिला देंगे। मैगी हमारी एकदम अच्छे से हो चुकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है इसमें। तो मैगी को मिलाने के बाद इसमें हम लगभग 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होता है कि जो पत्ता गोभी का पानी रहता है वो भी पानी छोड़ देता है, और जिससे कि ये अच्छे से बन जाता है। और अब इसमें डाल देंगे हम लगभग 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है। और इसको डालने के बाद अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप तीखा डाल सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा मत डालिए। और अब इसको डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो इसमें और कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं है और ना ज़्यादा कुछ इसमें डालना ही है आपको। और ये जो टेस्ट होता है मसाला का, जो मैगी के साथ आता है मैगी मसाला, उसको हम डाल देंगे, उसको भी इसी में डाल देंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है। तो बस इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम साग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। बच्चों की टिफ़िन हो या सुबह का नाश्ता, आप इसको फटाफट से बना सकते हैं। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फटाफट से बिल्कुल 10-15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप चाहें तो कैबेज को ग्रेडर करके फ्रिज में रखे रहिए, जब आपका मन गए तब इस नाश्ते को झटपट आप बना लीजिए। तो बहुत ही आसानी से और बहुत आराम से नाश्ता बन जाता है। तो बस सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब एक हम बाउल लेंगे। तो इस तरीके से ओनियन को आपको 4 पार्ट में बांट देना है और इस तरीके से उसके सारे पार्ट को अलग अलग कर लेना है, ये देखिए काट कर। और इस तरीके से मैंने 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज को काट कर इस तरीके से ले लिया है। आप चाहे लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से कट किया। अब इसमें हम लगभग 1/4 चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा 1/4 चम्मच नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। देखिए इसको अच्छे से हम हिला डुला कर मिक्स कर देंगे, जिससे नमक और काली मिर्च सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब एक बाउल लेंगे, बाउल में हम लगभग 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर लेंगे।
कॉर्नफ्लोर की जगह आप कॉर्न स्टार्च भी यूज कर सकते हैं, आरा रोट भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। इसमें हम लगभग 2 चम्मच पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके रख देंगे और ये भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 4 चम्मच कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर या आरा रोट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, तो कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से इसको अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है और बहुत ही बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो बस इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब इसके हम इस तरीके से बॉल बना लेंगे, जिससे आप लड्डू बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। ये देखिए, पास से भी आपको दिखा देती हूँ, तो बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो सारे बॉल्स इस तरीके से हम बना लेंगे इसी साइज़ के। तो सारे बॉल्स हमारे बन चुके हैं, तो लगभग इतने बॉल्स बने हैं। तो 4 लोगों के लिए ये नाश्ता परफेक्टली बनकर तैयार हो जाता है। और अब गर्मा गर्म तेल कढ़ाई में गर्मा गर्म 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, उसी में गर्मा गर्म हम इसको तल लेंगे। तो आपका तेल जो एकदम गर्म होना चाहिए, तो बस उलट पलट कर इसको हम ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से हो चुका है। तो सारे बॉल्स को इस तरीके से उलट पलट कर होने तक हम इसको तल कर अच्छे से निकाल लेंगे। तो हमारे सारे बॉल्स हो चुके हैं। बिल्कुल इसी कलर का होने तक आपको इसको तलना है, लो मीडियम फ्लेम पर आपको तल लेना है। लेकिन जब आप बॉल्स डालते हैं तो आपका तेल एकदम गर्म रहना चाहिए। तो बस हमारे बॉल्स हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। और वापस से उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट की जगह बारीक कट करके भी ले सकते हैं लहसुन को। पेस्ट डालकर हम उसमें डाल देंगे जो हमने प्याज और शिमला मिर्च को काट कर रखा हुआ था, उसको हम इसमें डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, खाली थोड़ा सा हम इसको भूनना है, जिससे बस शिमला मिर्च और प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो ये हो चुका है। अब इसमें हम लगभग 1/4 चम्मच हल्का सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। तो बस डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से हमारे हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए। अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच केचप डाल देंगे, मीठा सॉस जिसको बोलते हैं, और इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। यहाँ मैं डार्क सोया सॉस का प्रयोग कर रही हूँ, तो इसलिए हम इसको 1 चम्मच डालेंगे। सोया सॉस डालने के बाद इसमें हम लगभग 1/2 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे। तो इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से हम चला लेंगे, जिससे सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस इसको हमने अच्छे से चला लिया। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर का घोल बनाकर रखा हुआ था उसको हम इसमें डाल देंगे, और इसको डालने के बाद हमें अच्छे से इसको चलाते जाना है, नहीं तो हमारी गुठलियाँ बन जाएंगी और हमारी जो रेसिपी है वो अच्छे से नहीं बनेगी। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आप जैसा पतला और सूखा पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इसमें हम लग
एक चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे। ये देखिए अब हमारी जो ग्रेवी एकदम परफेक्ट हो चुकी है और जो हमने बॉल्स बनाकर रखे हुए थे उस बॉल्स को इसमें डाल देंगे। बॉल्स को डालने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। तो बस हमारा जो नाश्ता है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसको आप टिफ़िन में, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और जब छोटी मोटी भूख लगे, जब कुछ बाहर का खाने का मन हो तो आप इसको बना सकते हैं। तो बस अब हम गर्मा गर्म एक प्लेट में सर्व कर देंगे, और इसके ऊपर अगर आपके पास स्प्रिंग ओनियन है तो उसको आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ओनियन नहीं है तो मैं यहाँ धनिया से इसको गार्निश कर दे रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप उससे भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो बस हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो आप खुद ही देख रहे हैं कितना, जितना देखने में सुंदर लग रहा है उससे ज़्यादा कहीं खाने में टेस्टी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो अगली रेसिपी के लिए